फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो काफी ज्यादा यूनिक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम घर पर बहुत ही कॉस्टली बाजार में मिलने वाला एसेंशियल ऑयल कैसे बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपसे स्किप ना हो पाए। आज मैं आपको चार प्रकार के एसेंशियल ऑयल घर पे बनाने का तरीका, एक मेथड बताऊंगी, जिससे आप घर पे ये महंगे से महंगा एसेंशियल ऑयल बहुत ही इजी वे से तैयार कर सकते हैं। ये इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं होगा जो आप मार्केट से एसेंशियल ऑयल बाय करेंगे, लेकिन ये इतना कम भी नहीं होता कि आपके चेहरे पे या फिर आप जिस पे भी इसे यूज कर रहे हैं, जिस भी चीज में इसे एसेंशियल ऑयल को यूज कर रहे हैं, उसमें कोई असर ना हो। ये काफी ज्यादा बढ़िया होता है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, मैंने खुद यूज किया है तो मुझे ये बहुत ही परफेक्ट लगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमने इस एसेंशियल ऑयल को कैसे बनाना है और कौन कौन सा एसेंशियल ऑयल हम तैयार करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम रोज एसेंशियल ऑयल तैयार करेंगे और क्लोव यानी कि लौंग का एसेंशियल ऑयल तैयार करेंगे, ऑरेंज एसेंशियल ऑयल तैयार करेंगे और केसर एसेंशियल ऑयल भी घर पे बनाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो मैं आपको तेल बता रही हूँ, इनमें से कोई भी ऑयल आप यूज कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल आप यूज कर सकते हैं, जोजोबा ऑयल यूज कर सकते हैं, एलमंड ऑयल आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप चार खाली क्लीन बॉटल्स लीजिए, एम्प्टी चार बॉटल लीजिए और उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लें, और उस बॉटल के अंदर अपनी जरूरत के अनुसार जो भी ऑयल आप चूज कर रहे हैं वो ऑयल आप इन बॉटल्स में डाल लीजिए। आपने इन ऑयल में से कोई भी तेल उसके अंदर भर लेना है, पूरा नहीं भरना है, उसे थोड़ा सा छोड़ दीजिए और उसमें ऑयल डाल दीजिए। और दोस्तों, उसके अंदर आपने, अगर आप रोज एसेंशियल ऑयल बना रहे हैं तो आप रोज की पेटल्स लीजिए और उसके अंदर एक चौथाई उसे भर लीजिए उस बॉटल को, और उसे अच्छी तरह से बंद कर दीजिए। और जो नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप लौंग का यानी कि क्लोव एसेंशियल ऑयल बना रहे हैं तो आप उस बॉटल में एक चौथाई यानी कि नियर अबाउट डेढ़ बड़ा चम्मच जो है वो लौंग का उसके अंदर थोड़ा सा क्रश करके डाल दीजिए। और जो नेक्स्ट है दोस्तों, अगर ऑरेंज एसेंशियल ऑयल बना रहे हैं तो आपने ऑरेंज के छिलके लेने हैं, उसे अच्छी तरह से क्रश कर लेना है, उसे ग्राइंडर में भी डाल के आप ग्राइंड कर सकते हैं और उसे उस बॉटल के अंदर, तेल की उस बॉटल के अंदर डाल दीजिए। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट है वो है केसर एसेंशियल ऑयल। तो केसर भी आपने एक चौथाई लेना है और उस खाली जो आपने बॉटल है उसके अंदर डाल देना है। तो अब आपके पास चार खाली बॉटल हैं, चारों बॉटल में आपने तेल डालना है और चारों में अलग अलग चीजें उसके अंदर फिलअप कर देनी है। जैसे कि एक बॉटल में रोज पेटल्स आपने डालनी है, एक में लौंग डालने हैं, एक में ऑरेंज जो आपने ऑरेंज का पिल लिया है उसे अच्छी तरह से क्रश करके वो उसके अंदर डालना है, और नेक्स्ट आपने केसर भी डालना है अलग बॉटल में। तो दोस्तों, आपने चार बॉटल्स को इसी तरह से तैयार करना है और डबल बॉयलर की मदद से आपने इन चारों बॉटल्स को उस पानी में डालना है और 10 मिनट तक अच्छी तरह से उसे बॉयल करना है। बॉयल करने से क्या होगा दोस्तों, उस जब हीट उस पानी को मिलेगी तो जो आपने चीजें इसके अंदर डाली हैं, जैसे कि केसर, रोज, क्लोव, जो हमने डाला है इसके अंदर ऑरेंज, इनका जो कॉन्टेक्ट है वो ऑयल के साथ आएगा और जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो अच्छी तरह से ऑयल के साथ मिक्स हो जाएंगी। तो दोस्तों, मिक्स होने के बाद 10 मिनट के बाद आपने गैस को बंद करना है और बॉटल्स को पानी से बाहर निकाल लेना है, और 72 hours यानी कि 72 घंटे के लिए आपने इन बॉटल्स को इसी तरह से रख देना है। तो 72 घंटों के बाद दोस्तों, आपका ये एसेंशियल ऑयल तैयार हो गया है। इसके अंदर जो चीज़ें आपने डाली है उनकी फ्रेग्रेंस जो है वो ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगी और साथ साथ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी ऑयल के अंदर आ जाएंगी। और या तो अगर आप चाहें तो इसे छान कर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसे ऐसे ही स्टोर करके रखें और ऐसे ही यूज़ करें, बहुत ही बढ़िया है। और जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, कुछ मैं आपको जो फेस पैक बताती हूँ, आप उनमें अपने अकॉर्डिंग इस एसेंशियल ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। कुछ ड्रॉप्स जैसे मैं बताती हूँ आप वैसे इसे यूज़ करें, बहुत ही परफेक्ट है दोस्तों। इससे आपकी स्किन काफ़ी हेल्दी होती है, स्किन पर होने वाले रिंकल्स, फाइन लाइन्स भी नहीं रहती और स्किन काफ़ी परफेक्ट रहती है। तो आप इन एसेंशियल ऑयल को घर पे बनाएं, यूज़ करें, और इसके रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मुझसे चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके बहुत सारे पैसे बच जाएं और वो भी घर पे इतना महंगा एसेंशियल ऑयल तैयार कर पाएं। और दोस्तों, अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई इन्फॉर्मेशन, नई वीडियो डालूं वो आपसे मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।